हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज स्कॉर्पियंस आर बेनिफिशियल बिकॉज आर यूज्ड इन तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से स्कॉर्पियंस को बेनिफिशियल माना जाता है हमें चार पॉसिबल ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी एंड डी जिसमें से करेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट ऑफ स्कॉर्पियन यहाँ पर हम पहले स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है सो so, स्कॉर्पियन जो है ये एक अरेक्नेट है एंड ये जाना जाता है अपने स्टिंग के लिए व्हाई? बिकॉज इसका जो डंक होता है इसमें वेनम प्रेजेंट होता है जो कि होता है एक न्यूरोटॉक्सिन यानी इट हैज़ द एबिलिटी टू पैरालाइज़ अ पर्सन और एनी ऑर्गेनिज्म। अब यदि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जो स्कॉर्पियन का वेनम है जब उसे एनालाइज किया गया तो इसमें कई सारे मिनी प्रोटीन्स पाए गए एंड ऑल्सो इसमें पाया गया एक इंसेक्ट टॉक्सिन तो ये जो इंसेक्ट टॉक्सिन पाया गया था ये एक पर्टिकुलर स्कॉर्पियन में पाया गया था जिसका नाम है A. Australis. So, इस ए ऑस्ट्रेलिस के वेनम को जब एनालाइज किया गया तो उसमें एक इंसेक्ट टॉक्सिन मिला जो कि इंसेक्ट के सोडियम चैनल को अफेक्ट करता था एंड उसे पैरालाइज करके नियर डेथ पहुंचा देता था सो so, इस वजह से जो स्कॉर्पियन का वेनम है उसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है इसके अलावा जो मिनी प्रोटीन्स इसमें मिले थे उन्हें जब रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया गया तो हमें ये जानने को मिला कि ये जो मिनी प्रोटीन्स हैं दी कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस सच एज कैंसर एंड ट्यूमर एंड ऑल्सो आर्थराइटिस तो इन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में हम स्कॉर्पियन वेनम को यूज कर सकते हैं एंड साथ ही इसे यूज किया जा सकता है टू डिक्रीज द केसेस ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन जो कि एक मेजर इश्यू होता है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन क्योंकि अगर पेशेंट की बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट ना करे तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है एंड ऐसा होता है बिकॉज जो पेशेंट की बॉडी है वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती है सो so, इस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए डिक्रीज करने के लिए भी हम इस वेनम को यूज कर सकते हैं सो दीज आर द देनिफिट ऑफ स्कॉर्पियन वेनम अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शन को यदि हम देखें फर्स्ट कह रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर देखा कि इंसेक्ट टॉक्सिन की प्रेजेंस की वजह से इसे इंसेक्ट कंट्रोल में यूज किया जा सकता है बी हमसे कह रहा है फार्माकोलॉजिकल रिसर्च यानी ड्रग के अफेक्ट को टेस्ट करने के लिए रिसर्च करना तो इस पर्पज के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स टेस्ट किए जाते हैं उसमें भी हम वेनम को इंक्लूड कर सकते हैं सी कह रहा है इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पेशेंट की बॉडी में जनरेट हो रहा था उसे डिक्रीज करने के लिए ये वेनम यूजफुल है यानी इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं ऑप्शन डी कह रहा है ऑल दैट विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन सो हम बाकी ऑप्शंस को इरेज कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन के लिए इट विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑल होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक